हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। हमने नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 11 क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, राइट? अब हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ओके? तो आपको मैंने जिस तरह मार्जिन में लिखा है ना, यूनिट 11 एंड बी सेफ यूनिट का नेम लिखा है, तो आप उसी तरह मार्जिन में लिखोगे इन्वायरमेंट की टेक्स्ट बुक में, सॉरी इन्वायरमेंट की नोटबुक में, ओके? ये किसका लेसन है आपका? इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड यूनिट 11, ओके? अब फर्स्ट मैंने देखो यहाँ लिखा है राइट अ ट्रू फॉल्स। आपको क्या करना है? ट्रू फॉल्स लिखना है। देखो मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है, पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे और फिर आंसर करेंगे, ओके? वी शुड गिव अ जंप फॉर द वॉल। क्या लिखा है? वी शुड गिव अ जंप फॉर द वॉल, यानी वी शुड, हमें जंप वॉल की यानी दीवार पे से कूदना चाहिए, राइट या रॉन्ग? क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? हम राइट और रॉन्ग भी बोल सकते हैं एंड ट्रू और फॉल्स भी बोल सकते हैं। तो हम जंप दीवार पे से जंप लगा सकते हैं बेटा? नो, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बहुत कुछ कहाँ से हमारा जो होता है वो करेक्ट हो जाता है, यानी टूट जाता है, हड्डी होती है वो टूट जाती है, तो इसलिए हमें जंप नहीं लगाना चाहिए। तो वी शुड गिव अ जंप फॉर द वॉल, तो क्या आएगा? रॉन्ग, ओके? तो यहाँ हम करेंगे रॉन्ग। आपको मैंने पेन से लिखा है, बट आपको किससे लिखना है? सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से लिखना है, ओके? आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने पेन यूज़ की, आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करनी है। आपके इन्वायरमेंट की टेक्स्ट नोटबुक है ना, वहीं में ये लेसन लिखना है, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यानी हमें रास्ते पे खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तो ट्रू आएगा या फॉल्स? यस, वेरी गुड, क्या आएगा? ट्रू, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, यही सही लिखा है, तो क्या आएगा? ट्रू, तो यहाँ हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे, यहाँ ट्रू, ओके स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे, डू नॉट प्ले विथ नाइफ, क्या आएगा? डू नॉट प्ले विथ नाइफ, नाइफ यानी चक्कू, चक्कू के साथ खेलना चाहिए नहीं, तो ये सही है या गलत? ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, ट्रू, तो हम आंसर लिखेंगे ट्रू। देखो थर्ड में डू नॉट प्ले विथ नाइफ, तो आएगा क्या आएगा? ट्रू, ओके? अब फोर्थ, फायर शुड बी अवॉइड, यानी आग से दूर रहो, तो क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? आग से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आग के पास अगर हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, यस, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ट्रू। डू नॉट प्ले विथ एन इलेक्ट्रिशियन थिंग, यानी लाइट वाली चीज़ें होती है उसके साथ खेलना चाहिए नहीं, तो ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, क्या आएगा आंसर? ट्रू, तो हम क्या करेंगे इसमें? ट्रू करेंगे, ओके? ये सब कंप्लीट हो गया आपका, अच्छे से देख लो, ओके? फर्स्ट में वी शुड गिव जंप फॉर द वॉल, तो क्या आएगा? रॉन्ग, उसके डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तो यस, ट्रू। डू नॉट प्ले विथ नाइफ, तो ट्रू। फियर शुड बी अवॉइड, तो ट्रू। डू नॉट प्ले विथ एन इलेक्ट्रिशियन थिंग्स, तो क्या आएगा? ट्रू, ओके? अब हम नेक्स्ट आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ओके? फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या करोगे? हाँ, आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन आपको कहाँ लिखने हैं? ब्लैंक्स में लिखने हैं, ओके? तो क्रॉस द रोड ऑन ब्लैंक क्रॉसिंग ओनली,
थी तो जिब्रा क्रॉसिंग आएगा, क्या आएगा? जिब्रा क्रॉसिंग, तो क्या आएगा? जे ई बी आर ए, ओके, जे ई बी आर ए, आपको जो दिया गया है ना, यस, जिब्रा क्रॉसिंग वही आपको लिखना है, ओके। यहाँ आप दे सकते हो, मैंने लिखा है क्रॉस द रोड ऑन द जिब्रा क्रॉसिंग ओनली, तो क्या आएगा? जिब्रा आएगा। देखो यहाँ मैंने ब्रैकेट्स में लिखा था, वही ब्लैंक में लिखा है, ओके। इसी तरह सब आपको जो ब्रैकेट्स में ऐसे दिए गए हैं वो आप कहाँ लिखोगे? ब्लैंक में लिखोगे, ओके। सेकंड ब्लैंक, डू नॉट जम्प फॉर द, यस, क्या आएगा आंसर? वॉल, क्या आएगा? वॉल। उसके बाद थर्ड, वॉक ऑन द ब्लैंक ओनली, किस पे आएगा? वॉक ऑन द फुटपाथ ओनली, ओके। हमें सिर्फ और सिर्फ रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, बट सॉरी रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे, ओके, क्योंकि फुटपाथ पे हमारे स्पेशल चलने के लिए सरकार, गवर्नमेंट ने हमारे के लिए रास्ता बनाया, इसलिए फुटपाथ यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है, डू नॉट ब्लैंक ऑन द रोड, तो रोड पे क्या करना नहीं चाहिए? खेलना नहीं चाहिए, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। एंड वी शुड एडवाइज फॉलो द ब्लैंक रूल, तो भी हम क्या करेंगे? यस, सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं ना, रोड पे नहीं खेलना चाहिए, उसके बाद फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, जिब्रा क्रॉसिंग का यूज़ हम देखेंगे कि क्रॉस द रोड ऑन द जिब्रा क्रॉसिंग ओनली, ऐसे सब जो रूल्स होते हैं वो रूल्स ही हम फॉलो करेंगे, ओके। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्वेश्चन के आंसर में बता देती हूँ आप, देखो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, डू नॉट जम्प फॉर द वॉल एंड वॉक ऑन द फुटपाथ ओनली। उसके बाद फोर्थ है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। एंड फिफ्थ में, वी शुड एडवाइज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, ओके स्टूडेंट्स। ये सब आपकी एनवायरनमेंट की जो नोटबुक है ना, उसमें ये एक्सरसाइज लिखने की है, पूरे के पूरे, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय एंड टेक केयर।